स्टूडेंट के अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर की ग्रामर लेसन पोइट्री सेक्शन जो लगभग डाल दिया गया है एक आध बाकी है वो तैयार है उनको डाल देंगे और अभी काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर की भी ग्रामर डाल दी जाए तो अभी ग्रामर तैयार करेंगे अब हम मतलब फ्री हैं और फ्री के बाद में जब भी टाइम मिलता है जैसे भी आपकी ग्रामर ही दी जाएगी सबसे पहले सेकेंड पोइम जो है विलियम शेक्सपियर की साइडी सोनेट से सिक्सटीन से एटीन ये पहले ट्रांसक्रिप्शन के हैं ये ट्रांसक्रिप्शन जो है कभी मैं अकेली सारे के सारे जो लेसन की इकट्ठी करके ना एक दिन इकट्ठी समझा दी जाएगी ये इसके ऊपर क्योंकि जो चीज मेरे पास है इसे लिखना ये ट्रांसक्राइब वर्ड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के वो संभव नहीं है तो सबसे पहले हम बाकी बैक एक्सरसाइज और ग्रामर के पार्ट सारे के सारे कर लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक इकट इकट्ठा जो है सभी पोइट्री सेक्शन का एक वीडियो के अंदर डाल दिया जाएगा वो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे को दिए गए हैं यहाँ पे सनोनियम्स सप्लाई सनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स मैंने लिख भी दिए यहाँ पे फिर भी वर्ड्स बता दिए जाएंगे उनके मीनिंग देंगे और सबको बताया जाएगा सप्लाई सनोनियम्स ऑफ द मीन्स प्रयवाची जिसको हम कहते हैं समानार्थी शब्द हिंदी में कहा जाता है प्रयवाची कहते हैं इनको हम लवली लवली मीन्स होता है प्यारा सा बढ़िया सा स्वीट और पीटी इसको हम कहेंगे स्वीट और पीटी दोनों में से कोई भी एक ही मांगा जाएगा दो नहीं मांगे जाएंगे जो हमारे को याद रह जाए वही ठीक है पोजेशन पोजेशन होता है अपने कब्जे में रखना मतलब अपने कंट्रोल में रखना जिसको हम कंट्रोल भी कह सकते हैं कस्टडी भी कह सकते हैं चार्ज भी कह सकते हैं हम मतलब अपने पास रखना किसी चीज को साइन मैंने होता चमकना ग्लेयर ग्लो ग्लीमर सभी का मतलब चमकना होता है ग्लेयर मैंने भी ग्लो मैंने भी और ग्लीमर मैंने भी चमकना होता है टेम्परेट अपना जो रीजन है टेम्परेट मतलब रीजन है सुहावना सा शीतोषण जिसको, जिसको कहा जाता है सुहावना मतलब जिसको हम कहेंगे उसको या लिख या temp, लिख मतलब दो दो दिए गए हैं माइल्ड और प्लीजेंट में से जो भी दिए गए मैंने तीन तीन यहां पे एक लिखना है दो दो तीन तीन नहीं लिखना है हमें जितना पूछा जाएगा उतना ही बताया जाएगा ये दो दो तीन तीन वर्ड मैंने दिए आपको विंड्स ब्रीज ब्रीज मींस भी हवा सुहावनी हवा का चलना ब्लो मैंने भी हवा का चलना होता है ओ मैंने कर्ज लेना होता है इनडेप कह दें हम इन कह लें या इन ही थी सही, इन कर्ज लेना मीन्स होता है अब सप्लाई एंटोनियम दोबारा फिर बता देता हूं लवली मीन्स प्यारा सा स्वीट और प्रीटी दो वर्ड है हमारे पास पोजेशन मैंने अपने कब्जे में लेना अपने अधिग्रहण में कंट्रोल कस्टडी चार्ज Sign, sign चमकना ग्लेयर ग्लो ग्लेमर सभी का मतलब चमकना होता है टेम्परेट लैंड जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर से संबंधित है माइल्ड टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे माइल्ड या प्लीजेंट विंड्स हवा ब्रीज और ब्लो ये भी हवा का मतलब होता है स्वाहनी हवा का चलना ओ मैंने कर्ज लेना इन डेप किड्स होता है कर्ज लेना अब एंटोनियम, तो है एंटोनियम मतलब विपरीत आर्थक देने हैं हमने इनके रफ रफ में उबड़ खाबड़ होता है समूथ होता है सही साफ सुथरा जिसको हम प्लेन कह लें समूथ कह लें फ्लैट कह लें हम इसको शोर्ट शॉर्ट मैंने छोटा टाल और लॉन्ग टाल मैंने भी लंबा और लॉन्ग मीनस भी लंबा होता है दोनों में से कोई एक दे दें हैवल हैवल मैंने होता है सौरग अर्थ भी दे सकते हैं इसका हम और हेल मैंने होता है नरक में एंटोनियम तो सेम यही बनते हैं हेवल का हेल बनाया जाता है हेल मैने नरक होता है सौरग होता है फेयर का फेयर मैंने बढ़िया अच्छा उसको अगली कहेंगे अगली मैंने भद्दा या अनफेयर भी फेयर अनफेयर मीन्स यूज करते हैं उसको उसके लिए भी यूज कर सकते हैं अग ज्यादा हम अगली ज्यादा यूज करें इसके लिए फेयर के लिए अगली और अनफेयर भी ठीक है गिव मैंने देना टेक रिसीव एक्सेप्ट स्वीकार करना सभी का मतलब एक ही है टेक मैंने लेना रिसीव मीन्स लेना एक्सेप्ट मैंने लेना स्वीकार करना डिक्लाइन डिक्लाइन से decline मैंने नीचे करना जिसको हम गिर जाना कहले हम राइज मैंने उठना डिक्लाइन का लिख दें और इनक्रीज भी लिख सकते हैं कोई सा भी वर्ड हम दे सकते हैं डे का नाइट या डार्क या इवनिंग भी इसको दिया जा सकता है डे का नाइट भी लिख सकते हैं डार्क भी लिख सकते हैं और ये इवनिंग भी हम लिख सकते हैं इसका कोई भी एक वर्ड दे देना दे हमने दो दो तीन तीन वर्ड जरूरी नहीं एक ही पूछा जाएगा हमारे से इटरनल इटरनल होता है जो अनंत काल तक अनंतता तक चलने वाली चीजें होती है जो कभी खत्म ना हो उसको इटरनल कहा जाता है और ट्रांजिएंट होता है मतलब कुछ समय के लिए शोर्ट पीरियड के लिए जो होता है उसको है उसको ट्रांजिएंट कहा जाता तो हम इसका जो वर्ड है इटरनल का ट्रांजिएंट ही विपरीत आर्थक शब्द बनेगा और ट्रांसियंट देंगे हम दोबारा फिर बता देता हूं रफ का समूथ और फ्लैट विपरीत आर्थक शब्द है एंटोनियम से मीन विपरीत आर्थक शोर्ट का शोर्ट मीन छोटा टाल या लोंग हेवन सौरक हेल नरक फेयर अच्छा अगली भद्दा यानी फिर देना टेक लेना रिसीव या एक्सेप्ट स्वीकार करना सभी का डिक्लाइन से गिरना राइज उठना इनक्लाइन इनक्रीज सभी का मतलब ऊपर उठना डे का नाइट या डार्क या इवनिंग दे सकते हैं डार्क भी लिख सकते हैं नाइट भी लिख सकते हैं इवनिंग भी लिख सकते हैं इंटरनल होता है अनंत काल तक चलने वाला सदा सदा चलने वाला और ट्रांसियंट होता है शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए अक्षण भंगूट जिसको हम कहते हैं कुछ समय में खत्म हो जाने वाला ये थे हमारी बैक एक्सरसाइज के और अब एक्सटेंडेड ग्रामर में इसमें से नॉन फाइनेट का पार्ट दिया है वो बता देते हैं आपको

एक तो फाइनेट वर्ब होती है एक नॉन फाइनेट्स वर्ब होती है फाइनेट वर्ब किसको कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है उसको फाइनेट वर्ब कहा जाता है और जो दूसरी जैसे ही लाइक्स टू रीड ये दूसरी जो वर्ड दिया गया है टू रीड ये हम नॉन फाइनेट वर्ब यूज करते हैं कि एक सेंटेंस में जब दो वर्ब वर्ब हमारे को मिल जाए एक वर्ब हम मेन वर्ब बनाते हैं और दूसरी वर्ब को नॉन फाइनेट्स के रूप में प्रयोग कर देते दे दे हैं उसको non वो noun का, adjective का, adverb का, वो का, का, का काफी सारे काम करती है वर्ब हमारे लिए जैसे ही, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे टू पास द एग्जाम यहां पे जो है हमारी फाइनेट वर्ब है और जो टू पास जो लगाया गया है ये वर्ब है और इन्फिनेटी टू वर्ब है ये स्टोप से ये जो नेक्स्ट शायद लेसन के अंदर आपकी एक्सरसाइज मिलेगी इसमें भी है ये जैसे यहां पे दिया गया क्रॉसिंग या यही बात है स्मोकिंग दिया गया है जो मैंने एग्जांपल दिया वो यही है ही स्टोब राइटिंग ये हमारा जीरंड यहां पे यूज किया गया है स्टोप के साथ में जीरण यूज किया गया है। ये भी नॉन फाइनेट्स का ही पार्ट है मतलब इसके तीन पार्ट होते हैं इन्फिनेटिव और जीरण और पर्टिशिपल्स होते हैं मैं अभी इसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं इन्फिनेटिव के कौन से पार्ट होते हैं और पार्टिसिपल के कौन से पार्ट होते हैं अपने पास यहां पे जो है वो सिर्फ इनफिनिटिव और झीरंड दो ही पार्ट हमारे को दिए गए पार्टिसिपल का शायद पार्ट नहीं है इसके अंदर ही लेट मी गो होम यहां पे जो गो मैंने अकेला लगाया गया है क्योंकि इसके अंदर जो है ये भी नॉन फिनिटिव नॉन फाइनेट का ही पार्ट है इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव के दो पार्ट होते हैं हमारे पास एक बेयर इन्फिनेटिव एक इन्फिनेटिव टू यहां तो लगाया गया है इन्फिनेटिव टू इसके अंदर और इसमें लगाया गया है बेयर इन्फिनेटिव इन दोनों तीनों चीजों को मैं भी क्लियर कर देता हूं आपके आगे फिर हम आपके बैक का एक्सरसाइज करवाएंगे नॉन फाइनेट्स का कुछ पार्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर हूं। इसको इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है है नॉन वर्ब होती कई पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इन्फिनेटिव है। के दो पार्ट हमारे पास होते हैं एक बेयर इन्फिनिटी होता है और एक टू इन्फिटिव होता है दूसरा पार्ट होता है जीरण का हमारा इसमें जीरण में हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में आई एन जी का प्रयोग किया जाता है पार्टिसिपल होते है तीन हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल लगभग हमारे सिलेबस में तीनों नहीं है प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम चर्चा करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है जीरेंड में भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी जीरेंड हमेशा नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है इनमें यही फर्क है एक बार एसटेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है क्योंकि दोनों में फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगती है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है और जीरण जो है वो नाउन का काम करता है

और जीरंट का कोई पार्ट नहीं है जीरंट जब भी आता है हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनसी नेक्स्ट पॉइंट में शायद वो वहां पर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग से स्टार्ट किया जाता है हैविंग के तुरंत बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर ये पैसेवाइस है अगर पैसेवाइस में दे दिया जाए तो हैविंग के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम अब बात करते हैं जो मेन खेल है सारा का सारा वो है बेयर इनफिनिटी को बेयर मीन होता है खाली खाली मतलब हमारे को कुछ वर्ड लिखे जाएंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ मैंने लिखी है मैं, मैं इनको बता देता हूं अगर ये हमारे को वाक्य के अंदर जो मैंने सेंटेंस लिखे थे वहां ही लेट मी गो होम वहां पे लेट वर्ड मैंने यूज किया था वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ड था हमारे पास ये कुछ वर्ड दिए गए हैं लेट बेड मेड साड वॉच नोटिस परसीव फील प्लीज बट एक्सेप्ट sooner, sooner rather, rather ऑब्जर्व के पंद्रह सोलह बीस वर्ड्स हैं जो मैंने दिए हैं आपको आपके बुक में कम मिलेंगे ये मैंने काफी सारे बता दिए हैं आपको ये और इनके साथ में जितने भी मॉडल्स हैं अपने तेरह मॉडल्स होते हैं तेरह के तेरह मॉडल जो हैं वो बेर इनफिनिटिव होते हैं मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है जब तक वो पैसे वाइस न आ जाए वाइज में होगा फिर हम कंडीशन को सोचेंगे परंतु दो मॉडल हमारे पास ऐसे हैं ओट टू और यूज टू जिनके साथ में हमेशा टू ऑलरेडी होता है तो इसके अंदर हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओट टू और यूज टू इनके साथ में तो टू हमारे पास है ही है ये वर्ड याद रख लेने हैं अगर एक दो कंडीशन में और बताऊंगा अभी नेक्स्ट में उसको आपको अभी बताई जाएंगी कि एक दो कंडीशन और है बाकी ये जो वर्ड मैंने लिखे गए हैं इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने यूज करनी है उसे कोई छेड़खानी नहीं करनी ना टू लगाना है ना आई लगानी है ना थर्ड फॉर्म लगानी है फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगा देनी है परंतु एक दो कंडीशन में उसको कुछ करेंगे गड़बड़ होगी कुछ वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्या गड़बड़ होगी वो हमारे साथ कुछ चीजें मैंने लिखी आपके लिए सुविशेंट रहेंगी इतनी ही कुछ हो रहेगी तो बातें बात के आपके एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा ही इज यूज टू स्मोक हमने ये देखना है कि यूज टू यूज टू हमारे मॉडल है यहां भी मैंने यूज टू यूज किया गया है और यहां भी यूज टू किया गया है अगर इस यूज टू से पहले कभी भी कोई बी का रूप मिल जाए बी के रूप होते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म होती है बी की इज एम आर और सेकंड फॉर्म होती है वाजवर और थर्ड फॉर्म होती है बीन बी की बी का कोई भी रूप मीन वर या बीन मिल जाए तो यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगानी शायद आपके कोई पेपर में आ, मैं देख रहा था एग्जाम में आया हुआ आपके ये टू से पहले कभी भी कोई बी का रूप मिल जाए बी के रूप होते हैं इज एम इजेमआर वाजवर और बीन अगर ये मिल जाए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी लगानी होती है अगर यूज टू अकेला हमारे को मिल जाए फिर हमारा मॉडल है फिर फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगाएंगे हम दूसरी बात है इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द सपलेट मिल्क नो और नोट में थोड़ा सा फर्क है यहां पर दोनों की मीनिंग सेम है अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत इस सेंटेंस का भी मीनिंग वही है और इसका भी वही मीनिंग है अगर नोट कभी आ जाए तो दूसरी वर्ब जो हमने टू इनफिनिटिव यूज करनी है हमने अगर इट इज नो आ जाए तो फिर हमने जिरण का प्रयोग यहां पे करना है इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द मिल्क इन दोनों में ये फर्क है और ऊपर वालों में मैंने बताया अब बता दे तो नेक्स्ट क्या है ही मेड मेड मैंने अभी लिखा था made जो है वो बेयर इनफिनेटिव वर्ड होता है मैं अभी देकर आया हूं आप लोगों को मेक आ जाए मेड आ जाए फर्स्ट फॉर्म आ जाए सेकेंड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये फॉर्म पैसे वाइस में दी गई है जितनी भी मैंने बेयर वर्ड लिखे थे लेट बेड मेड सा हियर जो भी वर्ड मैंने आपको दिए हैं अगर वो कोई भी पैसे पैसेवाइस में आ जाए या कोई भी वर्ब उनसे भी अलग कभी भी कोई पैसे पैसेवाइस में आ जाए तो हमेशा सा उसके साथ में दूसरी वर्ब जो है वो टू इनिटिव का प्रयोग किया जाएगा मीन टू लगा के वर्ब हमने यूज करनी है he was made, made जो है अगर ही मेड मी स्टैंड ऑन द बेंच अगर हम ऐसे कह देते सीधा लिख देते हम ही मेड मी स्टैंड ऑन द बेच फिर बात थी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी हमने तो मैंने लिखी दिया ही मेड मी स्टैंड ऑन द बेंच अगर मेड अकेला दिया गया है तो वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है जो दूसरी वर्ब हमने यूज करनी है वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आएगी ये नॉन फाइनेस का ही पार्ट है ये समझेंगे बेयर इन्फिनेटिव के दो पार्ट मैंने बताए थे बेयर और टू इन्फिनेटिव ये बेयर इन्फिनेटिव है अगर मेड लेट बेड मेड सो सा काफी सारे वर्ड मैंने लिखे हुए हैं अगर वो अकेले मिल जाएं

और समझ में भी आ जाएगा अगर वाक्य के अंदर दोनों काम एकदम करते हुए दिखाए जाए तो हमेशा जी लगानी है ही सा माई ब्रदर क्रॉसिंग द रोड उसने मेरे भाई को सड़क पार करते हुए देखा जब देखा तो वो सड़क पार कर रहा था दोनों के दोनों काम जैसे कहते वी सा बर्निंग हाउस हमने एक जलता हुआ घर देखा जब देखा तो जल रहा था तो वी सा बाल रोलिंग इन टू द वेल कि हमने एक गेंद को कुएं में जाते देखा जब दोनों काम एकदम करते हुए दिखा दिए जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और ये जीरेंड होते हैं मीनस यहां पे चाहे है सा हियड और वाच लगभग दो तीन वर्ब हमारे पास आएंगी जो बेयर इन्फिनेटी भी होंगे बट उनके साथ में आईएनजी लगाएंगे क्यों क्योंकि यहां पे दो काम एकदम है ही सा माई ब्रदर उसने मेरे भाई को देखा क्रॉसिंग द रोड सड़क पार करते हुए दोनों का एकदम हो रहे थे जैसे वी कोट हिम चीटिंग द हमने उसे दुकानदार को धोखा देते दे हुए पकड़ लिया जब पकड़ा गया तो वो धोखा दे रहा था तो ये चीजें कुछ है इसके अंदर और मैं आपकी बैक एक्सरसाइज करवा देता हूं कुछ मैंने बता दिए कुछ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी आपको जीरण का टॉपिक आएगा वहां भी मैं बताऊंगा और कभी टाइम मिलता है तो मैं ब्लैक बोर्ड पे ही इस टॉपिक को समझाऊंगा कभी अगर टाइम मिलेगा तो तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपकी दी गई है यहां से भी मैं कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा आपको ही लाइक्स टू रीड लाइक्स के साथ में वैसे जनरली टू का प्रयोग करते हैं बट हम आई भी लगा सकते हैं यहाँ पे स्मोकिंग इज इंजरेस्ट टू हेल्थ सबसे आगे जो खालिस्तान यूज हो किया जाता है सिंगिंग इज अ गुड हैबिट स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज स्मोकिंग इज इंजरेस्ट टू हेल्थ जहां पे जब सबसे आगे खालिस्तान आ जाए ना तो लगभग एक आध कंडीशन को छोड़ के जैसे यहाँ पे टू आयर है टू भी लगा सकते हैं बट नाइन्टी जो है आई का प्रयोग किया जाता है रोड जिस प्रकार का सेंटेंस मैंने मैंने लिखा था, वो यहां पे दे दिया आई मैंने उसे देखा सड़क को पार करते हुए देखा जब उस देखा तो सड़क पार कर रहा था जब दोनों काम एकदम होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई इंच लगाई जाती है सी फाउंड ऑल द चेयर ओकेपाइड पाइड से ओके यहां पर जो थर्ड फॉर्म यूज की गई है ये पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है यहां पे ही लेट स लिखा था लेट हमारा बेयर इनफिनिटी वर्ड है और लेट कभी भी आ जाए उसके साथ में जो दूसरी वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज ही हमने यूज करनी है उसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है ट्वर इज हुई मतलब ये दो सेंटेंस है ऐसे जिसमें स्टार्ट में ही टू आ जाता है लगभग डिफिकल्ट कभी भी आ जाए इजी मैंने ऐसा डिफिकल्ट मीन मुश्किल होता है तो हमेशा उसके साथ में टू वर्ब टू इन्फिनिटी वर्ब ही लगानी है हमने इजी या डिफिकल्ट कोई भी आ जाए टू प्लीज जैसे लगा है एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्टेड प्रॉमिस जितने भी हमारे नरेशन के वर्ड्स हैं सबके साथ में हमेशा टू लगाया जाता है एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्टेड रिमेंबर डिसाइडेड ये सारे वर्ड जो होते हैं इनके साथ में जो दूसरी वर्ब होती है वो टू लगाई जाती है वांटेड टू टाक टू हिम वांटेड आ जाए होप आ जाए विश आ जाए हमेशा इनके साथ भी टू का प्रयोग करना होता है हमने टू वो इनको नहीं है भाई दूसरे पुंगे हैं Book, आसान सी है। इसमें से करनी। मैं और बतानी। मैंने पहले बताया था अगर हमारी तो दूसरी वर्ब दी गई है तो नॉन फाइनेट वर्ब दी गई है चाहे वो किसी भी फॉर्म में आई गई है थर्ड फॉर्म दी गई है या टू के साथ में दी गई है जो भी है दो ही बताने हमने कि फाइनेट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनेट वर्ब कौन सी है मैं बता देता हूं आपको ध्यान से सुनना है जो हमारी मेन वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है तो ये फाइनाइट वर्ब है हमारे पास और ये सक्रेट जो थर्ड फॉर्म लगाई गई है पास्ट पार्टिसिपल का रूप देगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारे पास सेट सेट जो है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब हमारे को दी गई है और रीडिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब दी गई है हमारे को क्योंकि ये दूसरी वर्ब दी गई है मेन वर्ब है हमारे पास अगर जो मेन वर्ब होती है जो टेंस का काम करती है वो हमारे पास फाइनेट वर्ब होती है और जो दूसरी वर्ब होती है थर्ड फॉर्म आई एन किसी भी रूप में जैसे ब्रोकन है यहां पे नॉन फाइनेट वर्ब है ये और यहां पे जो क्राइड है या एंड क्राइड इन पेन ये भी हमारे वर्ब है क्योंकि ये भी मेन वर्ब का काम करेगी जो दूसरी वर्ब होती है नॉन फाइनेट वर्ब कोई एडजेक्टिव का काम करेगी कोई एडवर्ब का काम करेगी कोई नाउन का काम करेगी वो मेन वर्ब का काम नहीं करती है कभी बोय इंटर द ये हमारी पास इंडेफिनेट में दिया गया है तो ये हमारी मेन वर्ब है तो फाइनेट वर्ब है और दूसरी वर्ब दी गई शोकिंग यहां नॉन वर्ब दी गई है ट्रैकिंग 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 इज एक्साइटिंग भी हमारी नॉन फाइनेट वर्ब है स्विमिंग जिस प्रकार कह दें ट्रैकिंग कह दें सिंगिंग कह लें तो ये हमारी नॉन फाइनेट वर्ब आगे आएगी तो और दूसरी भी हमारी एक्साइटिंग भी जो है वो भी नॉन फाइनेट वर्ब हमारे को दी गई है रसीद एडिड एडिड जो है हमारे पास फाइनेट वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब है और बॉइलिंग जो है ये वर्ब दी गई है नॉन फाइनेट वर्ब हमारे को दी गई है मतलब हमारे पास जो मेन वर्ब होती है उसको तो हम फाइनेट वर्ब कहते हैं और जो दूसरी वर्ब होती है किसी भी रूप में वो आ जाए उसको हम नॉन फाइनेट वर्ब कहते हैं चाहे वो यहां पे हमने देखा थर्ड फॉर्म भी आई हुई है आईएनजी आईएनजी भी आई 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 हुई 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 है 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 थर्ड फॉर्म टू लगा के भी दी गई है वर्ब तो हमने मतलब नॉन फाइनेट वर्ब हमारी किसी भी रूप में हो सकती है परंतु तो जो फाइनेट वर्ब होती है वो मेन काम करेगी वो टेंस का काम करेंगी हमेशा हमारा जैसे यहां पर दिया गया टू गो टू गो जो है हमारी नॉन ट वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं आई ना उनका काम करेगी यहाँ पे टू गो डेंटिस्ट रिकमेंडेड हमारी मेन वर्ब है वर्ब है ब्रसिंग जो है ये हमारे पास नॉन फाइनेट वर्ब दी गई चिल्ड्रन लोंग्ड ये हमारे पास फाइनेट क्योंकि मेन वर्ब है ये टेंस का काम कर रही तो है और टू ईडो है यह नॉन फाइनेट वर्ब हमारे को दी गई है

अगर एडिशनल एक्सरसाइज करनी है तो वो की बाद में करेंगे क्योंकि इसमें हम जो लगभग हमारे काम चल जाते हैं यहां से बैक एक्सरसाइज से ही मैं पेपर कंसल्ट कर रहा था तो यहीं से लगभग हमारे आते हैं फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें तो उसको फिर भी एक्सप्लेन कर देंगे